How to steal an election? 40% commission sarkar, which has stolen the money of people of Karnataka, is now attempting to perfect under Mr. Basavaraj Bommai. Your vote, your right to elect a representative, is now being stolen by Mr. Basavaraj Bommai and his government. The Life TV, Sach Sabse Aage. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त बड़ा खुलासा हुआ है कर्नाटक के भाजपा सरकार को लेकर। कर्नाटक की भाजपा सरकार बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है और इसमें सीधे सीधे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई का नाम आ रहा है। इतना बड़ा मामला है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है। कांग्रेस ने एक बड़ा खुलासा किया है, वो वीडियो में आपको दिखाते हैं। उससे पहले यह जानकारी दे दें कि कर्नाटक के सीएम बोम्मई पर एफआईआर करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि यह स्कैम सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक की भाजपा सरकार पर इलेक्शन चोरी का आरोप लगा है, लोकतंत्र के गला घोटे जाने का गंभीर आरोप कर्नाटक की भाजपा सरकार पर लगा है और मुख्यमंत्री इसमें सीधे तौर पर शामिल नजर आ रहे हैं और एफआईआर की अब तैयारी हो रही है। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने क्या लिखा है और उनका वीडियो भी हम आपको आगे दिखाते हैं। शॉकिंग एक्सपोज हैज रिवील्ड दैट दोज सिटिंग इन द सिटाडेल्स ऑफ पावर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई, दे आर ओवरटली एंड कोवर्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर थेफ्ट ऑफ वोटर डेटा एंड फॉर फ्रॉड एंड इम्पर्सोनेशन। यानी यह हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है, जिसमें सत्ता के गढ़ में बैठे लोग जो वहां पर हैं, वो वोटर्स का डेटा चोरी किए। इतना ही नहीं, इन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से और गुप्त रूप से डायरेक्टली जिम्मेदार हुए और साथ ही साथ वहां के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी इसमें शामिल हैं। कैसे जनता के डेटा के साथ छेड़छाड़ किया गया, उनका डेटा को चोरी करके इन लोगों ने कैसे अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, इन सब का गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगाया है। और इसके लिए आप रणदीप सुरजेवाला का यह वीडियो देखिए, फिर हम पूरी खबर भी बताएंगे कि मामला है क्या। हाउ टू स्टील एन इलेक्शन, इफ यू वॉन्ट टू लर्न देन द 40% कमीशन सरकार which has stolen the money of people of Karnataka is now attempting to perfect under Mr. Basavaraj Bommai the art of stealing the right of electorate to vote. I want to tell all fellow Kannadigas, your vote, your right to elect a representative is now being stolen by Mr. Basavaraj Bommai and his government. Fraud, impersonation, stealing voter data and conspiracy of Mr. Bommai and BBMP now stands exposed with documentary evidence. तो देख लिया आपने, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कितना बड़ा खुलासा किया है और यह खुलासा हैरान करने वाला है। इससे साफ साफ लग रहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बेनकाब हो गए हैं। उनकी जो चाल थी सत्ता में बने रहने की, उसके लिए जो हथकंडों का प्रयोग उन्होंने किया, ये वोटर के डेटा चोरी का मामला है। अब बताइए कि अगर ये डेटा इनके पास था तो इन्होंने कैसे कैसे खेल किया होगा। इस वजह से कांग्रेस ने इसे बहुत बड़ा स्कैम करार दिया है और कहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत जो संस्थाएं इसमें शामिल थी उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अब जरा चलते हैं हम लोग उस खबर पर जिसमें डिटेल में बताया गया है कि कर्नाटक की भाजपा सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने के लिए कौन कौन से गुल खिलाए हैं, कौन से कुकृत्य किए हैं। हेडलाइन देखिए, इसमें बताया गया है, इंडिया टीवी की खबर है, कर्नाटक कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर इलेक्शन चोरी का आरोप। सुरजेवाला बोले वोटर डेटा चुराया, यानी इलेक्शन की ही चोरी हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात कि इस सरकार ने इलेक्शन की चोरी की थी। इंडिया टीवी ने लिखा है, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि यह सरकार जनमत खो चुकी है, यानी भाजपा सरकार कर्नाटक की।
इसलिए वोटर डेटा चुराने का षड्यंत्र कर रही है। सुरजेवाला ने कहा कि चौंकाने वाले खुलासे से पता चला है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सहित सत्ता में बैठे लोग वोटर डेटा की चोरी धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार हैं। यानी इलेक्शन चोरी का मामला है और ये बेहद गंभीर मामला है। कहां है चुनाव आयोग, कहां है लोकतंत्र, ये बड़ा सवाल है। कैसे बीजेपी वाले इतनी साजिशों को अंजाम देने में दिन रात जुटे रहते हैं। तभी तो चुनाव कोई भी जीते, अपनी सरकार बनाने के लिए ये लोग किसी हद तक जाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए करोड़ों करोड़ पानी में बहा देते हैं। जो नहीं मानता है उसे जांच एजेंसियों के सहारे डराए जाने का भी आरोप इन लोगों पे लगता है और उसका भी दुरुपयोग कर, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर ये सरकार कहीं भी भाजपा वाले सत्ता में आने के लिए ललायत रहते हैं। लेकिन अब कर्नाटक के इस भ्रष्ट भाजपा सरकार की पोल खुल गई है। हर एक मामले में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने वाली 40% कमीशन के नाम से जाने जाने वाली यह सरकार इस बार बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है और सीधा आरोप कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर जा लगा है। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा है, इंडिया टीवी की वेबसाइट पर ही देखिए कि सीएम बोम्मई, उनके अधिकारी, सरकारी अधिकारी, बीबीएमपी यानी बेंगलुरु महानगर पालिका के लोग और राज्य चुनाव प्राधिकरण लोकतंत्र को रोदने में अपराध में भागीदार हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बीबीएमपी प्रभारी हैं, इसके मुख्य आयुक्त बेंगलुरु के निर्वाचन अधिकारी हैं। एक निजी संस्था चिलू में एडू संस्थान ने मतदाता जागरूकता के लिए अनुमति के लिए आवेदन किया। बेंगलुरु महानगर निगम ने इस एनजीओ को वोटर अवेयरनेस अभियान का काम दिया। सुरजेवाला ने आगे कहा कि इसकी इजाजत मिलने के बाद इन लोगों ने बूथ स्तर के अधिकारियों का रूप धारण करके मतदाता डेटा इकट्ठा करने की धोखाधड़ी की। यानी बीएलओ बनकर इन लोगों ने अपने आप को इम्पर्सोनेट किया, ये लोग बीएलओ हैं, जबकि ये एनजीओ के बस एक अदने से कर्मचारी थे, चुनाव आयोग से जुड़ी हुई कोई बात नहीं थी, जबकि इन लोगों ने खुद को बीएलओ बताया और धोखाधड़ी करने के लिए मैदान में कूद पड़े। इस एनजीओ का भी पर्दाफाश कांग्रेस ने कर दिया है। इस एनजीओ ने क्या किया उसके बारे में इंडिया टीवी ने जानकारी दी है कि कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि इस एनजीओ ने वोटर अवेयरनेस की बजाय वोटर्स का डेटा जमा करने का काम किया। इसके लिए एनजीओ ने अपने फील्ड ऑफिसर्स को ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के फर्जी आईडी कार्ड बनाए गए और इन लोगों ने मतदाताओं की सारी जानकारी ले ली। सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सीएम, बीजेपी द्वारा नियंत्रित बीबीएमपी और चुनाव प्राधिकरण ने साथ मिलकर ये काम किया है। ये हैरान करने वाला मामला है। बीएलओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, ये सब उनके फर्जी आई कार्ड बनाकर काम कर रहे थे और कैसे कैसे घालमेल के साथ डेटा चोरी करने का काम किया जा रहा था। इसे इलेक्शन चोरी का ही मामला कहा जाएगा। और आखिरी पैरा में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें साफ साफ जानकारी दिया गया है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इन लोगों को बीएलओ कार्ड भी जारी किए गए, इस एनजीओ ने वोटर्स का डाटा गरुड़ ईसीआई ऐप पर अपलोड नहीं किया बल्कि डिजिटल समीक्षा एक प्राइवेट कंपनी के स्वामित्व वाले ऐप पर किया जो सांसदों, विधायकों, राजनीतिक दलों द्वारा उपयोग किया जाता है। कर्नाटक कांग्रेस अब इस मामले में सीएम और बीबीएमपी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करेगी। बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बीबीएमपी विभाग भी उन्हीं के तहत आता है। ये इतना बड़ा स्कैम है, तभी तो कर्नाटक की सरकार को कहा जाता है 40% कमीशन वाली सरकार। इनके तमाम विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जल्द ही चुनाव भी आने वाले हैं वहां पर, लेकिन यह सरकार तब तक पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। हर एक विभाग में भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, शिक्षा विभाग हो, कंस्ट्रक्शन का हो। कहा तो यह जा रहा है कि कोई विभाग अछूता नहीं है, हर विभाग में काम अगर कराना है तो 40% तो कमीशन देना ही पड़ेगा। इस वजह से कर्नाटक के हाई कोर्ट ने भी बोम्मई सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपके सरकार पर गंभीर आरोप है कि यहां पर बिना घूस दिए फाइल आगे बढ़ती ही नहीं है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यह सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार में व्यस्त है और दूसरी तरफ इलेक्शन चोरी जैसे गंभीर आरोप इस सरकार पर लगे हैं और मुख्यमंत्री बुरी तरीके से बेनकाब हो रहे हैं, इन पर एफआईआर कराने की तैयारी कर ली गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।